तो चलिए आइए, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है, अगर आप पिछले वाली वीडियो देखकर आए हो तो, कि पिछले वाली वीडियो में हम लोग कंडक्टिंग कैविटीज के बारे में बात कर रहे थे। किस बारे में बात कर रहे थे? कंडक्टिंग कैविटीज के बारे में, है ना? कि मान लें कि कोई कंडक्टर है, कोई है ना स्फेरिकल कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, उस कैविटी में अगर कोई चार्ज रख दिया जाए या कंडक्टर को चार्ज दे दिया जाए, तो कंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, कहाँ पर चार्ज आएगा, कहाँ पर चार्ज नहीं आएगा, है ना, किस क्षेत्र में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना पोटेंशियल आएगा, इस तरह की सारी बातें हम कर चुके हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, इस तरह की भी बातें हम कर चुके हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि कंडक्टर को कैसा ड्रॉ कर लेना, एक शेल की तरह ड्रॉ कर लेना, शेल सिस्टम में ले जाना उसको, एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व कर ले। हाँ, कराया था कि नहीं कराया था यार? इस तरह के सवाल मैंने तुम्हें करा दिए थे। पक्की बात है ना? एकदम सोच लो, पक्की बात। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो बेटा, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली टचिंग टाइप प्रॉब्लम की। किसकी बात करने वाले हैं? टचिंग टाइप प्रॉब्लम। टचिंग टाइप प्रॉब्लम या तो कनेक्टिंग टाइप प्रॉब्लम, है ना। इसके अलावा आज हम बात करेंगे आपसे ग्राउंड के बारे में। किस बारे में बात करेंगे? ग्राउंड। सर, ग्राउंड के बारे में क्या बात करोगे सर? अरे, ग्राउंड अलग ग्राउंड होता है, कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड, है ना, ऐसा बताएंगे आज आपको। कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड नाम की भी कोई चीज होती है। अच्छी चर्चा करेंगे, मजेदार, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? तो बेटा, शुरुआत किसके साथ करते हैं अपन? कनेक्टिंग टाइप प्रॉब्लम के साथ। किधर शुरू कर रहे हैं? कनेक्टिंग टाइप प्रॉब्लम्स, ऐसा लिख लो, हेडिंग बना लो कॉपी में, कनेक्टिंग टाइप प्रॉब्लम्स, ठीक है? चलो, आओ यहां सुनो। तो सवाल के माध्यम से कंसेप्ट बनाते हैं, ठीक है? सुनो जरा ध्यान से। तो सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि मान लीजिए कि इस तरह से एक गोला है, इस तरह से एक गोला है। बोला गया कि भैया, गोले की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। गोले की जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल आर। और गोले के ऊपर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। गोले के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है? प्लस क्यू। कंडक्टिंग गोला है, ठीक है, सारा चार्ज तो बाहर ही रहने वाला है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, कहीं पे भी रहे, है ना। मैंने बोला कि मान लीजिए एक और गोला है, ठीक है, क्या है? एक और गोला है, ठीक भाई, गोले जैसा बना तो नहीं, अंडे जैसा लग रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, गोला मान लो, ठीक है। और बोला गया कि भैया गोले के ऊपर चार्ज है 2q। गोले के ऊपर चार्ज कितना है? 2q। और गोले की रेडियस कितनी है बेटा? बोला गया कि गोले की रेडियस है 4r। गोले की रेडियस कितनी है? 4r। मेरी बात समझ आई? गोले की रेडियस कितनी है बेटा? 4r, ऐसा बोला गया। फिर क्या बोला गया? कि अगर इन दोनों गोलों को, अगर इन दोनों गोलों को एक वायर की सहायता से अगर कनेक्ट कर दिया जाए, है ना, इस तरह से अगर आप इन्हें कनेक्ट कर दें, क्या बोला गया सवाल? बोला गया, इफ बोथ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड टू ईच अदर वाया अ वायर, वाया अ वायर, कनेक्ट करना कह लीजिए, दोनों को टच करना कह लीजिए, बात तो एक ही है, ठीक है। इफ द बोथ ऑफ द स्फीयर्स वन कनेक्टेड टू ईच अदर वाया अ वायर, देन देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट द फाइनल चार्जेस, देन फाइंड आउट द फाइनल चार्जेस ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर, ठीक है। ये सवाल बोला गया, ठीक है, ये सवाल बोला गया। सर, ये कैसा सवाल है सर? ये तो बहुत आसान है सर। सर, ऐसा करेंगे सर, दो गोलों को, जैसे दोनों गोलों को हम चिपकाएंगे सर, तो जिसमें ज्यादा चार्ज है उसे निकल के सर सर कम वाले में चला जाएगा सर, फिर फाइनली दोनों में बराबर हो जाएंगे सर। ये कोई सवाल है सर? क्या सर, कैसी बातें कर रहे हो सर? इसमें 2q चार्ज है सर, देखो सर, इसमें क्यू चार्ज है सर, देखो। तो सर, जैसे आप कनेक्ट करोगे इसको, चार्ज 2q वाले गोले में से निकलेगा सर, क्यू वाले गोले में चला जाएगा सर। अरे हाँ ना, तो बोल, यही तो सोच रहे हो तुम लोग। और सर, इसमें रह जाएगा फिर कितना? इसमें भी रह जाएगा 1.5 क्यू, इसमें भी रह जाएगा 1.5 क्यू, क्योंकि सर टोटल तो 2 क्यू और 1 क्यू, 3 क्यू तो है ही सर, दोनों में फाइनली बराबर बराबर हो जाएगा सर, 1.5 क्यू 1.5 क्यू चार्ज जाएगा। गलत सोच रहे हो तुम, ऐसे नहीं होता है। अब ध्यान सुनो कैसे होता है, मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से, ऐसे होशियारी मार रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आओ, देखो यहाँ सुनो ध्यान से, देखो तो मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो बेटा, तो जानते हो जिस प्रकार से चार्ज का स्वभाव है बहना, चार्ज के बहने से क्या बनता है? करंट बनता है। अरे क्या बनता है? करंट बनता है ना। तो जिस प्रकार से चार्ज का स्वभाव है बहना, उसी प्रकार से पानी का भी स्वभाव है बहना। सर पानी, सर कहाँ, मतलब, अरे सुन, ध्यान सुन, जिस प्रकार से चार्ज का स्वभाव है ना बहना, उसी प्रकार से पानी का भी स्वभाव है बहना। तो मैं तुम्हें पानी के से एनालॉजी ड्रॉ करके, और मैं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घुसाता हूँ फिर, ठीक है, ध्यान सुन जरा। तो बेटा, पानी कैसा बहता है? ऊंचाई से और नीचाई की तरफ। तुम्हारे गांव में ऐसा थोड़ी होता है, नीचाई से ऊंचाई में पानी, सर मोटर लगा के चढ़ जाता है सर। अरे मोटर लगा के बात नहीं कर रहा, नॉर्मली थोड़ी चढ़ता है यार, कि नीचाई से ऊंचाई पर पानी चढ़ गया अपने आप, ऐसा होता
नहीं है। पानी कहां बहता है? नेचुरली पानी कहां बहता है? ऊंचाई से और नीचाई की तरफ, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। पानी कहां बहता है? जहां पर पोटेंशियल उसकी एनर्जी ज्यादा है वहां से कहां बहता है? जहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम है ना। हायर, तो हायर पोटेंशियल से और लोअर पोटेंशियल की तरफ पानी बहता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है बेटा। उसी प्रकार से चार्ज भी होता है। चार्ज भी कैसे बहता है? चार्ज भी हायर पोटेंशियल से और लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। अच्छा, पानी बहता है तो पानी कब तक बहता रहेगा? जब तक ऊंचाइयां बराबर ना हो जाए। अरे हाँ ना, तो बोल। अगर तुम ग्राउंड लेवल पर ऐसे पानी, तुम ऐसे बाल्टी भर के टुई ऐसे लुढ़का दो, तो पानी थोड़ा सा तो बहेगा, क्योंकि तुमने काइनेटिक एनर्जी दी थी, उसके बाद रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह ऊंचाई है कैसी है, सेम है। तो मतलब अगर पोटेंशियल बराबर हो जाए तब चार्ज का बहना रुकता है ना। जब पोटेंशियल बराबर हो जाए तब चार्ज का बहना रुकता है, जब ऊंचाइयां बराबर हो जाए तब चार्ज का बहना रुकता है। और चार्ज बहता कहां से है? चार्ज बहता है भैया हायर पोटेंशियल से और लोअर पोटेंशियल तक। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम? सोच ले, अब आ जाओ। देखो, सुनो जरा ध्यान से, सुनो ध्यान सुनो। तो अगर मैं इस गोले को ए बोल दूं, अगर इस गोले को मैं अगर बी बोल दूं, तो भैया ए का पोटेंशियल बताओ, पिछली वीडियो में तुम्हें सिखाया था मैंने, बोलो ए पर पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल एट ए के क्यू बाय आर। कितना? के क्यू बाय आर। सर ऐसा कैसे सर है? अरे गोले पर हर जगह पोटेंशियल यही तो है। कितना? के क्यू बाय आर। तुमको गड़बड़ लग रही हो तो तुम सेंटर पर पोटेंशियल निकाल लो, ये इक्वी पोटेंशियल रीजन है। तो जहां पर जो सेंटर पर पोटेंशियल होगा वही हर जगह पोटेंशियल होगा। कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर। उसी तरह से इस गोले बी पर, यहां पर पोटेंशियल कितना है बेटा? यहां पर देखो के और साथ में 2q/r। r कितना? 4r। तो कितना आया बी पर पोटेंशियल? कितना है बी पर पोटेंशियल? है KQ/2r। अरे भाई साहब, ये तो पोटेंशियल कम है। अरे ये तो पोटेंशियल कम है, मतलब क्या देखा मैंने, क्या देखा मैंने, तू ध्यान से देख। तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट पोटेंशियल बी। तो इसका मतलब चार्ज कहां बहेगा? ए से बी की तरफ कि बी से की तरफ? चार्ज बहेगा ए से और बी की तरफ। चार्ज कहां बहेगा? ए से और बी की तरफ। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर होती है, और पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही बहता है, तो इसलिए चार्ज ऐसा बह जाएगा। और कितना चार्ज बहेगा? सारा चार्ज थोड़ी बह जाएगा। चार्ज तब तक बहेगा जब तक पोटेंशियल कैसा ना हो जाए, सेम ना हो जाए। पोटेंशियल कैसा ना हो जाए, सेम। मेरी बात समझ आ रही है? चार्ज कब तक बहता रहेगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ना कि चार्ज सेम ना हो जाए बेटा। मेरी बात समझ आई है? चार्ज कब तक बहता है? पानी कब तक बहता है? जब तक ऊंचाई सेम ना हो जाए। तो चार्ज कब तक बहेगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम? तो मैंने क्या माना बेटा? मैंने माना कि चलिए ऐसा मान लीजिए कि चलिए क्यू डैश चार्ज बह गया। कितना चार्ज बह गया? क्यू डैश चार्ज बह गया। मेरी बात समझ आई? तो अब यहां पर चार्ज कितना बचा है? यहां पर बचा है क्यू माइनस क्यू डैश, और यहां पर चार्ज कितना आ गया? 2q+q-। ऐसा ही तो आया। और कब तक बेहतर रहेगा? जब तक कि पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी दोनों बराबर ना हो जाए। ये थी इनिशियल कंडीशन। ये क्या थी? इनिशियल कंडीशन। ओके, बहुत बढ़िया। ये थी इनिशियल कंडीशन। और फाइनल कंडीशन क्या है? फाइनल कंडीशन ये है कि पोटेंशियल एट ए फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी फाइनल, है ना। तभी चार्ज का बहना रुकेगा, नहीं तो चार्ज तो बहता जाएगा, है ना। चलो आ जाओ। तो फाइनली पोटेंशियल कितना होने वाला है इसके ऊपर? के और क्यू। अब कितना चार्ज बता? क्यू डैश तो बह गया, तो बचा कितना? इतना बचा कितना? क्यू माइनस क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू इस पर पोटेंशियल कितना? अब देखो ध्यान सुनो, के और क्यू, 2q तो पहले से था और कुछ और आके जुड़ा। कितना आके जुड़ा? क्यू डैश आकर जुड़ा। तो क्यू डैश बाय इसकी रेडियस बाय आर कितना? 4r। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? पक्की बात एकदम? अब ध्यान से देखो। तो के ने के को मार दिया, आर ने भी आर को मार दिया। अब देखो जरा ध्यान से देखो, तो 4q-4q- इज इक्वल टू 2q+q-। पक्की बात एकदम? सोच ले। चलो आ जाओ, इधर उधर कर लो इसको। तो इधर आया तो कितना आया? चार में से दो गई तो 2q, और ये उधर गया कितना हुआ? ये हुआ 5q-। तो बेटा q डैश कितना हो गया? q डैश हो गया 2/5q। कितना हो गया? 2/5q। तो फाइनली फाइनली ठीक है, फाइनली चार्ज ऑन स्फीयर ए, चार्ज ऑन स्फीयर ए कितना है बेटा? ये है q-2q/5। तो कितना हुआ? 5 2 3। तो कितना आया? 3/5q। और चार्ज ऑन स्फीयर बी, चार्ज ऑन स्फीयर बी कितना बोलो? 2q+2q/5। तो कितना हुआ? 5 2 10। कितना हुआ? 5 2 10, 10 और 2 12। तो ये हुआ 12q/5।
क्या मेरी बात समझ आ गई? पर अभी भी ध्यान से देखो तो इन दोनों का बीच सम है ना, वो 3 ही निकलेगा। कैसे? 12 और 3 15, 12 13 14 15 और 3 5 5 3 15, तो 3 क्यू है ना। तो अभी भी सम तो टोटल चार्ज का वही है, पर जो तुम सोच रहे थे वो नहीं है। चार्ज बराबर नहीं होता बेटा, बराबर क्या होता है? पोटेंशियल। यही कंसेप्ट है कि पोटेंशियल कैसा होता है, हो जाता है कनेक्ट करने पर बराबर हो जाता है। कैसा हो जाता है? बराबर। तो ये सवाल जब आप नोट कर लोगे तो उसके बाद कॉपी में यही लिखोगे कि व्हेन टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर देन देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, देन देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। चार्ज मे और मे नॉट बी इक्वल, चार्ज मे और मे नॉट बी इक्वल, बट देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। ये कंसेप्ट है बेटा, मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। देखो कहीं पे जगह है तो मैं लिख दूं क्या? हाँ यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। व्हेन व्हेन टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन देन देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। समझ जाना तुम, ठीक है। देन देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। क्या मेरी बात समझ आ गई? चलो एक बार इसको छापो, फिर एक और सवाल तुमसे कराता हूं ऐसा, ठीक है? छापो। चलो आओ बेटा, देखो एक और सवाल तुमसे ही कराता हूं ऐसा, ठीक है? कर देना, अब जरा वीडियो को स्टॉप करके कर देना खुद से। देखो तो क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया कि एक स्फीयर है बेटा, ठीक है? एक क्या है? स्फीयर है, और स्फीयर की जो रेडियस है वो है मान लीजिए आर। वो कितनी है? मान लीजिए आर, ठीक है? और स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो है 5 q, वो है 5 q। मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात एकदम। बोला गया कि एक और स्फीयर है यहाँ पर ऐसे, ठीक है? और इस स्फीयर की जो रेडियस है ना वो रेडियस है 3 r। इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है? 3 r। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है -q। इसके ऊपर जो चार्ज है वो है -q। देन अगेन क्या बोला गया? बोला गया कि एक वायर की सहायता से अगर इनको ऐसे जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द फाइनल चार्जेस, व्हाट विल बी द फाइनल चार्जेस। चलो फटाफट से वीडियो को स्टॉप करो और सवाल सॉल्व कर दो, तुम्हारे पर मम्मी का समय अगर तुमने नहीं करा तो। चलो करो। हमें तुमसे प्यार कितना। हाँ भाई, हुआ कि नहीं हुआ तुमसे? हुआ हुआ रहा? अरे हाँ ना तो बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ है? चलो आओ देखो, जरा सुनो, जरा ध्यान सुनो। तो क्या बोला गया? कि पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, और कैसा बहता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर। तो चलो पहले पहले पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी। तो चलो आओ सोल्यूशन करते हैं। देखो तो पोटेंशियल एट ए इनिशियली कितना था? बोलो कितना था? 5 k³/r। चलो फिर फाइनली पोटेंशियल बी पर कितना था? इनिशियली कितना था? कितना था? कितना था? -k³/3 आर। तो पता है इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो लो भैया चार्ज तो बह गया। अरे चार्ज तो बह गया, कितना चार्ज बह गया? मैं बोल देता हूं कि चलो मान लो क्यू डैश चार्ज बह गया। कितना चार्ज बह गया? क्यू डैश चार्ज बह गया। तो यहां कितना चार्ज बचा? यहां बचा 5 q - q डैश। यहां कितना बचा? -q+q डैश। और अब पोटेंशियल फाइनली बराबर हो जाएंगे। चलो आ जाओ तो बराबर कर दो, है ना। पोटेंशियल एट ए फाइनल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी फाइनल। क्या मेरी बात समझ आई? चलो ए पर पोटेंशियल कितना है? चलो लिखवाओ लिखवाओ के। और क्यू कितना? क्यू आया 5 q - q डैश, और डिवाइड बाय रेडियस आर इज इक्वल टू के। और साथ में चार्ज, चार्ज कितना है बोलो? ये है -q और +q डैश, क्योंकि यहां से चार्ज उठ के यहां पर आया है, तो यहां पर चार्ज तो जुड़ा है। और डिवाइडेड बाय कितना? 3 r। डिवाइड बाय कितना? 3 r। क्या मेरी बात समझ आई? ध्यान से देख, तो r ने r को मार दिया, k ने k को मार दिया। सॉल्व कर लो, ये कितना आया? 15 q, और -3 q डैश इज इक्वल टू -q और +q डैश। पक्की बात है ना? चलो आ जाओ, इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो गया 16 q, और ये उस तरफ गया तो ये हो गया 4 q डैश। तो बेटा q डैश कितना आया? ये आया 4 q। ये कितना आया? 4 q। तो फाइनली फाइनली बोलो 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 फाइनली चार्ज ऑन स्फीयर ए कितना बचा? q - q डैश। तो 5 q - 4 q, 5 q - 4 q, कितना चार्ज बचा? सिर्फ q चार्ज बचा। सिर्फ कितना चार्ज बचा? q चार्ज बचा। और b पर कितना चार्ज आया? -q और +4 q, तो कितना चार्ज आया? 3 q। अरे कितना आया? 3 q। हाँ ना तो बोल, कितना चार्ज आया? 3 q। तो टोटल चार्ज कितना है? q+3 q, 4 q। देखो शुरू में 4 q था क्या? 5 q - q। अरे 4 q, जो करा जो समझा बिल्कुल सही। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। तो बेटा चार्ज चाहे बराबर हो भी सकते हैं किसी किसी केस में, या तो नहीं भी हो सकते, पर बराबर क्या होगा? हमेशा
पोटेंशियल बराबर होगा, क्या बराबर होगा, पोटेंशियल बराबर होगा। सो व्हेन टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर और दे आर टच्ड विद ईच अदर देन देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, नॉट नेसेसरीली देयर चार्ज शुड बी इक्वल बट व्हाट शुड बी इक्वल, द पोटेंशियल शुड बी इक्वल। क्या मेरी बात समझ आई, पक्की बात एकदम, सोच ले, चलो आ जाओ इसको छापो, फिर अपन अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, छापो, आ जाओ बेटा सुनो, तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बेटा अब जानते हो, अब पहले तो अपनी कॉपी में हेडिंग बनाओ, एक हेडिंग बनाओ कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड, क्या हेडिंग बनाओ, कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड, क्या हेडिंग बनाएंगे, कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, जैसे ध्यान से देखो, तो जानते हो कभी कभी क्या होता है, अपन गर्मियों के दिनों में कूलर वूलर चलाते हैं यार, तो कूलर चलाते हैं, कभी कभी कूलर की बॉडी में करंट आ जाता है और अपन लोग ऐसे खड़े होते हैं आराम से, खड़े होते कि नहीं खड़े होते, जैसे ही टच करते हैं अपने को जिंदगी का आनंद आ जाता है, अच्छी अनुभूति हो, अरे होती है कि नहीं होती है यार, अरे हो जाता है ना, करना पड़ेगा लग रहा है तुम्हारे साथ, है ना, कभी जाना है ऐसा करना, कभी कूलर वूलर के सारे खड़े हो जाना, कभी कभार हो सकता है कि तुमको जीवन की अनुभूति हो जाए अच्छी वाली बढ़िया वाली, है ना, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। तो बेसिकली क्या होता है कि कूलर की जो बॉडी है वो तो कंडक्टर की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, कंडक्टर की, अरे लोहा पत्रा की तो बनी होती है, स्टील स्टील की तो बनी होती है, अरे हाँ ना, तो बोल तुम्हारे गांव में कूलर प्लास्टिक, हाँ होते हैं वैसे प्लास्टिक के, हाँ सर हमारे गांव में सर प्लास्टिक के होते हैं सर कूलर, हमारे यहाँ कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड काम नहीं करता सर, सॉरी वी विल नॉट स्टडी दिस, अरे हाँ ना, तो बोल पढ़ना है, ध्यान सुनो। तो क्या होता है कि जैसे नॉर्मली जो कूलर वगैरह होते हैं वो किसके बने होते हैं, कंडक्टर के बने होते हैं, तो क्या होता है कि उसके ऊपर जो भी चार्ज अपन देते हैं वो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है कि आउटर सरफेस पर आ जाता है, तो क्या होता है कि आउटर सरफेस पर अच्छा खासा चार्ज का बिल्डअप शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है, अच्छा खासा चार्ज का बिल्डअप शुरू हो जाता है, फिर जैसे ही अपन उसको टच करते हैं, मान लो अपन चप्पल वप्पल नहीं पहन रखी, अपन ने चप्पल वप्पल नहीं पहन रखी, तो अपनी बॉडी तो एक कंडक्टर है, अपनी बॉडी तो एक कंडक्टर है, और ये कैसे चार्ज को कैसे ट्रीट करेगा, वायर की तरह ट्रीट करेगा, तो भाई साहब वो सारा का सारा चार्ज आपकी बॉडी में से बह जाएगा, और बहता हुआ चार्ज क्या बनाता है, करंट बनाता है, क्या बनाता है, करंट, तो आपको जीवन की सुखद अनुभूति का आनंद, आपको अच्छा प्राप्ति आपको हो जाएगी, अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, करके देख लेना कभी तो हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो कि अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा केस हो गया, मान लो तुम्हारे घर में कोई तो ऐसे चिपक गया मान लो, तो तुम कैसे हटाओगे उसको, लकड़ी के डंडे से हटाओगे कि लोहे के डंडे से हटाओगे, बताओ बताओ सोचो, लकड़ी के डंडे से हटाओगे कि लोहे के डंडे से, लकड़ी के डंडे से, अबे स्विच बंद कर दो ना, तुम्हारे गांव में स्विच नहीं होता है क्या, पंखा का स्विच नहीं होता, बाहर से तार डाल के चलाते हो सारे के सारे, अरे हाँ ना, तो बोल मेरी बात समझ आई है, अब ध्यान सुनो जरा। तो अब पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड। तो तुमने देखा होगा बेटा कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह बन रही होती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा पिट खोद के, गड्ढा खोद के, और फिर एक बहुत लंबी लंबी तारें होती हैं, प्लेट व्लेट ऐसे मेटल की, वो नीचे दबाई जाती है और फिर वो ऊपर आती है। तुमने देखा भी होगा स्विच बोर्ड जब होता है, तो स्विच बोर्ड में क्या होता है कि दो स्विच तो ऐसे होते हैं, दो ऐसे होते हैं और एक ऐसे होता है, होता है कि नहीं होता यार, ये टीका नहीं बना रहा हूं मैं, ये टीका समझ लो कहीं सर, ये दो आंखें सर, ये ऊपर टीका है सर, टीका नहीं होता स्विच, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो जो छोटे छोटे अप्लायंसेज होते हैं, है ना, छोटे छोटे अप्लायंसेज, जैसे अपना चार्जर वार्जर हो गया, तो चार्जर में तो तीन की जरूरत नहीं पड़ती, दो ही पिन का होता है ना, दो इसमें लग जाते हैं, बाकी जो बड़े अप्लायंसेज होते हैं जैसे अपनी प्रेस हो गई, बड़ा सर बड़ा अप्लायंस प्रेस, अरे बड़ा का मतलब पावर कंजम्पशन ज्यादा है यार उसकी, प्रेस की पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है, आयन की ना प्रेस कंजम्पशन उसकी बहुत, पावर कंजम्पशन उसकी बहुत ज्यादा होती है ना। इसके अलावा या फिर अपना कूलर वूलर होता है, बड़े अप्लायंसेज हैं, तो उनमें तीन पिन का लगता है, आगे तुमने देखा होगा तीसरी पिन। तो बेटा ये दो तो पिन होती है, एक तो इसमें मेल होता है एक फीमेल होता है, इन दोनों में एक मेल और एक फीमेल, और जो ऊपर वाला होता है ना इसको कहते हैं न्यूट्रल, क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रल, क्या कहते हैं बेटा इसको, न्यूट्रल। और बेसिकली ये कहां कनेक्टेड होता है, ये सीधा का सीधा जमीन में जा रहा होता है, कहां जा रहा होता है, जमीन में, और जो वायर जो होती है अप्लायंस में वो इसकी कंडक्टर की बॉडी से कनेक्टेड होती है, जो बाहर की जो बॉडी होती है ना उस बॉडी से कनेक्टेड होती है, ताकि अगर कोई भी चार्ज का बिल्डअप हो तो वो सीधा का सीधा उस वायर में से होता हुआ इसमें से होता हुआ कहां चला जाए, जमीन में चला जाए, कहां चला जाए, जमीन में, ताकि अपने को वो सुखद अनुभूति होने से अपन लोग बच जाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है, पक्की बात एकदम। चलो देखो कंसेप्ट बताता हूं, तो मैं कंसेप्ट क्या है देखो सुनो, तो बोला गया कि मान लीजिए कि फिर से कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कोई कंडक्टर है, और कंडक्टर की जो रेडियस है वो है आर, वो है कितनी, आर, और बोला गया कि इसके ऊपर मान लीजिए क्यू चार्ज है, अभी कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, फिर नीचे मान लो ये धरती माता बहुत बड़ी है, धरती माता ये, ठीक है, ये क्या है, धरती माता, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये धरती माता है, और धरती माता की रेडियस में बहुत बड़ी होती है धरती माता की रेडियस, तो कितनी होती है, छोटी होती है धरती माता की रेडियस, अरे बहुत बड़ी होती है धरती माता की रेडियस, कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, मतलब के 6400 × 10³³ मीटर्स, इसका मतलब 6400 × 10⁵ मीटर्स, अरे भाई साहब बहुत बड़ी है, तो है ना। तो अपन ने क्या करा, मान लो धरती माता भी तो गोला ही है, बहुत बड़ा गोला है, धरती माता कंडक्टर होती है, कैसी होती है, कंडक्टर होती है, तो क्या करा तुमने, मान लो कि अपने गोले को अगर तुमने एक वायर की सहायता से और धरती माता से अगर मान लो तुमने कनेक्ट कर दिया, तुमने धरती माता से अगर कनेक्ट कर दिया,
तो मुझे पता है धरती माता तो बहुत बड़ी कंडक्टर है, तो उसका पोटेंशियल तो हमेशा कैसा रहता है, जीरो होता है। धरती माता डीट कंडक्टर है बहुत ज्यादा, कितना ही दे दो, कितना ही चार्ज दे दो, कितना ही चार्ज दे दो, पोटेंशियल बढ़ता ही नहीं, पोटेंशियल बढ़ता ही नहीं। तो धरती माता का जो पोटेंशियल है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। तो ध्यान से देख, तो इस वाले गोले का पोटेंशियल कितना है, अभी अपना सारा का सारा चार्ज तो इस गोले पर है ना, कनेक्ट करने से पहले तो सारा का सारा चार्ज यही था, ऐसा देख, टूचिक 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 ऐसा था। अरे था कि नहीं था यार? तो शुरू में पोटेंशियल कितना था, गोले का पोटेंशियल कितना था शुरू में, इनिशियली कितना था, के क्यू बाय आर, यही पोटेंशियल था। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, और इसका पोटेंशियल जीरो। तो अपने को तो पता है कि चार्ज कहाँ बहता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। तो मैंने माना कि मान लो क्यू डैश चार्ज ऐसे बह गया, सेम अप्रोच बता रहा हूँ बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं कर रहा। देख मैंने बोला कि मान लो क्यू डैश चार्ज ऐसे बह गया, और फाइनली पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, मतलब अगर इस गोले का नाम अगर मैं ए दे दूं तो फाइनली क्या होना चाहिए बेटा, फाइनली पोटेंशियल ऑफ ए फाइनल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ धरती माता फाइनल, यही तो आएगा, पोटेंशियल ऑफ धरती माता फाइनल बराबर होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है, पक्की बात एकदम? अब ध्यान सुन, अब ध्यान सुन, तो यहां पर पोटेंशियल कितना बचा बेटा, यहां पर पोटेंशियल बचा के, और साथ में कितना चार्ज था शुरू में, शुरू में कितना चार्ज था, मैं कैपिटल क्यों मान लेता हूँ यार, सही रहेगा आसानी के लिए ना, कैपिटल क्यों मान लेता हूँ, फिर वो क्यू डैश भी मान रखा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो मैंने बोला चलो क्यू था, ठीक है? तो कितना हुआ, ये हुआ क्यू माइनस क्यू डैश और बाय आर, यही हुआ ना फाइनली पोटेंशियल, यही हुआ ना, के क्यू माइनस क्यू डैश बाय आर। और धरती माता का पोटेंशियल कितना हो गया, के, और कितना चार्ज दिया तुमने, क्यू डैश चार्ज दिया, तो के क्यू डैश बाय आर ई, क्या हुआ, के क्यू डैश बाय आर ई, यही हुआ कि कुछ और हुआ? अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ध्यान से देख, तो के ने के को मार दिया, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला, ये मिला क्यू आर ई माइनस क्यू डैश आर ई इज इक्वल टू क्यू डैश आर इज इक्वल टू क्यू डैश आर। अपने को क्या निकालना है, कितना चार्ज बहा, क्यू डैश निकालना है ना। तो ध्यान से देख, तो क्यू आर ई इज इक्वल टू, इसको उस तरफ भेजो तो क्यू डैश कॉमन आएगा, ये आएगा आर ई प्लस आर, ये आएगा आर ई प्लस आर, और ये कितना हुआ बेटा, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर। अब ध्यान सुन बेटा, इतना चार्ज जो है बह गया। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से बेटा, गोला कितना बड़ा हो सकता है, 1 मीटर का, 2 मीटर का, 5 मीटर का, 10 मीटर का, और कितना रेडियस का बना सकते हो, 1 किलोमीटर रेडियस का गोला बना लो, इससे ज्यादा क्या बना हुए? अब उस 1 किलोमीटर रेडियस के मुकाबले तो 64 × 10⁵ मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो क्या बोला गया, ये बोला गया, क्या बोला गया, कि आर ई इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर, आर ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, सो आर कैन बी नेग्लेक्टेड, आर कैन बी नेग्लेक्टेड, आर कैन बी नेग्लेक्टेड। अच्छा भाई नेग्लेक्ट कर दिया है ना, अब तू ध्यान सोच, तो 1 करोड़ में 1 रुपया जोड़ दूं तो 1 करोड़ है, थोड़ी बोलोगे 1 करोड़ ही तो रहेगा यार, हाँ सर बोलूंगा सर मैं 1-1 रुपए का हिसाब रखता हूँ सर मैं, अरे ये बहुत बड़ी रकम में बहुत छोटा सा जोड़ने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बेसिकली अपन ने क्या करा, अपने आर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो बेटा जो क्यू डैश रहा, क्यू डैश कितना रहा, ये रहा क्यू आर ई डिवाइडेड बाय आर ई, कितना रहा, डिवाइडेड बाय आर ई। तो ध्यान से देख, तो आर ई ने आर ई को मार दिया, तो चार्ज कितना बह गया सर, सारा का सारा चार्ज बह गया, अरे सारा का सारा चार्ज बह गया। यही तो तुम्हें कूलर के एग्जाम्पल में बताया था कि कूलर पर जो भी चार्ज बिल्डअप हो रखा होगा, तो अगर जैसे ही आप उसे छूते हो आपको जीवन की अच्छी अनुभूति होती है, और वो सारा का सारा चार्ज आपके थ्रू कहाँ बह जाता है, जमीन में बह जाता है, और कंडक्टर की बॉडी पर कोई चार्ज नहीं बचता, क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बेसिकली जब एक कंडक्टर को जब अपन धरती माता से जोड़ते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ बह जाता है, जमीन में बह जाता है। पर बेटा कंसेप्ट को ऐसे नहीं पकड़े, कंसेप्ट को ऐसे नहीं पकड़े, कंसेप्ट को कैसे पकड़े, ध्यान सुनो, तो जब सारा का सारा चार्ज जब बह गया तो पोटेंशियल कितना हो गया उसका, जीरो। अरे पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। तो फाइनली वी फाइनल ऑफ ए कितना हो गया, जीरो, कितना हो गया, जीरो। तो अपने को कंसेप्ट ऐसे नहीं पकड़ना कि सारा का सारा चार्ज बह जाता है और कंडक्टर पर चार्ज जीरो हो जाता है, नहीं, कंडक्टर पर चार्ज जीरो नहीं होता, आप ये पकड़े कि कंडक्टर पर क्या जीरो हो जाता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर क्यू जीरो, तो सर क्यू जीरो तो सर तभी तो पोटेंशियल जीरो, सर क्या बोल रहे हैं सर? बेटा ध्यान सुन, तो आगे क्या होगा कि कभी कभी इस कंडक्टर को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दूंगा, उस समय जो आप मानकर बैठे हो ना दिमाग में वो गलत हो जाएगा, पर ये कभी भी गलत होने वाला नहीं। तो ध्यान से देख, पोटेंशियल जीरो है तो सही भाई, चार्ज सारा का सारा बह गया, सारा का सारा चार्ज अगर बह गया तो पोटेंशियल कितना, जीरो, वही बोल रहा हूं मैं, तू वही पकड़, क्या पकड़ कि पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो। क्या मेरी बात समझ आई, पक्की बात एकदम? अब लिखो जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो पहले, ठीक है? कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, लिखो जरा जो मैं बोल रहा हूं, लिखो कि व्हेन अ कंडक्टर
व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड, व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड, देखो ग्राउंड करने का सिंबल ये, बार बार ऐसा मत बना बैठना, पेपर में धरती माता बना के बैठ जाओ, गलत कर देगा वो। देखो क्या बनाना है, इस तरह से सिंबल ऐसा होता है कि मान लो अगर ये एक गोला था जिसकी रेडियस आर थी, जिसके ऊपर अगर चार्ज क्यू था, तो अगर आप इसे ग्राउंडेड दिखाना चाहते हो ना, तो आप क्या करें, इसको ऐसे दिखाएं, ये सिंबल है इसका, ये क्या है इसका सिंबल है, ठीक है, दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल, ग्राउंड करने का सिंबल होता है, इसके बाद हमेशा याद रखेंगे। चलो तो क्या बोला गया कि व्हेन अ कंडक्टर, लिखो 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 जल्दी लिखो, व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, और व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड, देन लिखो लिखो लिखो, देन देन द अर्थ, देन द अर्थ अरेंजेस द चार्ज, अरेंजेस द चार्ज ऑन द कंडक्टर, अरेंजेस द चार्ज ऑन द कंडक्टर इन सच अ वे, इन सच अ वे सच दैट, सच दैट, सच दैट द पोटेंशियल, सच दैट द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, सच दैट द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो, सच दैट द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो। तो क्या लिखवाया मैंने तुम्हें, ये लिखवाया कि व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड देन द अर्थ अरेंजेस द चार्ज ऑन द कंडक्टर इन सच अ वे सच दैट इट पोटेंशियल बिकम्स जीरो, चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो, लिख लो वहां पर, पोटेंशियल इज जीरो बट चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो, लिख लो पोटेंशियल इज जीरो, यहां पर तो चार्ज भी जीरो हो गया, मैं मान गया तुम्हारी बात, पर अभी तुम्हें सवाल दिखाता हूं, उसमें चार्ज जीरो नहीं होगा पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, तो पोटेंशियल इज जीरो बट चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो, पोटेंशियल इज जीरो बट चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो, क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम, सोच ले, चलो आ जाओ, देखो तो इसको नोट करो बड़े ढंग से कॉपी के अंदर, उसके बाद मैं तुम्हें आगे सवाल वाल करवाता हूँ इसके, ठीक है, करो जरा एक बार, आओ बेटा देखो एक और सवाल कराता हूँ तुम्हें, बढ़िया वाला सवाल कराता हूँ, देखो सुनो, सीधा ही अच्छा सवाल लेते हैं सीधा, ठीक है, फालतू टाइम पास सवाल नहीं करेंगे यार, ठीक है, मैंने बोला कि मान लीजिए एक है गोला, एक है क्या ऐसे गोला, और बेटा बोला गया कि गोले की जो रेडियस है ना, बोला आर है, क्या है आर है, और गोले के सेंटर से, और गोले के सेंटर से कहीं डी दूरी दूर, गोले के सेंटर से कहीं डी दूरी दूर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, बहुत बढ़िया भाई, कोई बात नहीं, रखा है तो रखा है, अच्छा है, और इस गोले को अपन ने कर दिया ग्राउंडेड, इस गोले को अपन ने कर दिया ग्राउंडेड, ठीक है, मेरी बात समझ आई, अब ध्यान से देख तू, अब सवाल क्या बोला गया, पहले तो सवाल सुन लो, फिर वो क्यों पूछा गया मैं तुम्हें बताता हूं, सवाल बोला गया फाइंड, फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज, फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर, अब पहला सवाल जो बच्चे के मन में आएगा सवाल सॉल्व करने से पहले कि इसके ऊपर कोई चार्ज क्यों इंड्यूस होना चाहिए, है ना बेटा, मेरी बात सुन जरा ध्यान से, तो अगर तुमने दिमाग में वो कंसेप्ट पकड़े बैठे होते कि जैसे ही ग्राउंड करते हैं चार्ज जीरो हो जाता है, क्या जीरो हो जाता है, चार्ज जीरो हो जाता है, तो यहां तो चार्ज है ही नहीं गोले के ऊपर, ले कर ले क्या जीरो करेगा, है ही नहीं चार्ज, अरे हाँ ना तो बोल, पर फिर भी, पर फिर भी बेटा इसे आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, इस गोले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक पोटेंशियल भी आएगा, क्या आएगा, एक पोटेंशियल भी आएगा, तो पोटेंशियल अगर आ गया, इसको अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो भैया इसके ऊपर चार्ज तो इंड्यूस हो ही गया, अरे इसके ऊपर चार्ज तो इंड्यूस हो ही गया, गोले के ऊपर चार्ज, अरे यार आना तो बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तुमने तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इस तरह, पॉजिटिव चार्ज इस तरह, तो इंड्यूस तो हो गया, अरे आना तो बोल, अरे यार तुम्हें नहीं आया, चार्ज इंड्यूस तो इसके ऊपर हो गया, तो कैसे कैलकुलेट करें, क्या मेरी बात समझ आई, वो इसी कंसेप्ट से कैलकुलेट होगा कि व्हेन अ कंडक्टर, व्हेन अ कंडक्टर इज, व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड, व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड देन इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो, देन इट पोटेंशियल बिकम जीरो, और पोटेंशियल बिकम जीरो कैसे, द अर्थ अरेंजेस द चार्ज ऑन द स्फीयर इन सच अ वे सच दैट इट पोटेंशियल बिकम्स जीरो, तो मैंने क्या माना, मैंने क्या माना कि चलिए मान लीजिए कि इसके ऊपर क्यू डैश इंड्यूस हुआ है, लेट लेट द क्यू डैश चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द स्फीयर, इंड्यूस्ड ऑन द स्फीयर, बहुत बढ़िया, क्यू डैश चार्ज के ऊपर इंड्यूस हो गया, क्यों इंड्यूस हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर पोटेंशियल को क्या करना है, जीरो करना है, क्योंकि इस पर क्या करना है, पोटेंशियल को जीरो करना है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो अच्छा इस क्यू चार्ज की वजह से इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना आने वाला है, तुम ध्यान से देखो, तो क्यू चार्ज की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, मतलब यहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पर होगा, जितना इसके सेंटर पर होगा, उतना ही पोटेंशियल इसके सरफेस पर भी होगा, अच्छा भाई तो टोटल पोटेंशियल लिखता हूं मैं, देखो ध्यान सुनो, तो इसके ऊपर टोटल पोटेंशियल क्या दिखा गया,
ड्यू टू चार्ज क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज दोनों की वजह से लिखा जाएगा यार। अरे दोनों की वजह से लिखा जाएगा, तो क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है, के क्यू बाय डी, कितना है के क्यू बाय डी। क्या मेरी बात समझ आई भाई, क्यू चार्ज की वजह से जितना इसके सेंटर पर पोटेंशियल है उतना ही हर जगह पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये क्या है कंडक्टर, क्योंकि ये क्या है कंडक्टर। अच्छा भाई कंडक्टर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जिससे ये इक्वी पोटेंशियल रीजन हो जाता है, तो हर जगह पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो कितना आया के क्यू बाय डी। और सुनो ध्यान से देखो, तो अगर इसके ऊपर क्यू डैश चार्ज अगर आया है, इसके ऊपर अगर क्यू डैश चार्ज अगर आया है, तो क्यू डैश चार्ज की वजह से इसके सेंटर पर पोटेंशियल, इसके गोले के ऊपर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू डैश बाय आर, कितना हो जाएगा के क्यू डैश बाय आर। और अब ग्राउंड, ग्राउंड क्या करता है, ग्राउंड भैया टोटल पोटेंशियल को क्या कर देता है, जीरो कर देता है, ग्राउंड कर देता है टोटल पोटेंशियल को जीरो। हो गया देखो सॉल्व हो गया, ध्यान से देख, तो के क्यू बाय डी इज इक्वल टू माइनस के क्यू डैश बाय आर, के ने के को मार दिया, तो बेटा कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, इतना चार्ज इंड्यूस हुआ, कितना नेगेटिव के आर बाय डी, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर, ठीक है, व्हेन इट इज ग्राउंडेड, व्हेन इट इज ग्राउंडेड। तो ध्यान से देख, चार्ज जीरो नहीं है, पर क्या जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, क्या जीरो है पोटेंशियल जीरो है। मेरी बात समझ आ गई पक्की बात। हाँ इसके ऊपर अगर डायरेक्टली कोई चार्ज तुमने दे दिया होता तो वो सारा का सारा चार्ज नीचे चला जाता, वो बात मैं मान गया, पर ऐसा भी तो केस हो सकता है कि कंडक्टर को तुमने कहाँ रख दिया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, उससे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसका क्या करोगे। अरे हाँ ना, तो बोल वही तुमसे कैलकुलेट करवाया गया, किसका इस्तेमाल करके, कि पोटेंशियल जो टोटल पोटेंशियल होता है व्हेन इट इज ग्राउंडेड, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा ये जीरो। मेरी बात समझ आई पक्की बात एकदम। चलो इसको छापो, फिर और वैरायटी के सवाल मैं तुमसे कराता हूँ, ठीक है छापो। आओ बेटा देखो और वैरायटी के सवाल करते हैं, देखो क्या सवाल बोला गया, इस तरह से सवाल बोला गया। अब बात करते हैं कंसेंट्रिक शेल्स की, किसकी बात करते हैं कंसेंट्रिक शेल्स की। तो मैंने बोला कि मान लो ये एक शेल है, ये क्या है एक शेल है जिसकी रेडियस है आर वन, जिसकी रेडियस है आर वन, और इसके ऊपर चार्ज है क्यू वन, इसके ऊपर चार्ज है क्यू वन, इसको मैं एस वन बोल देता हूँ, स्फीयर वन बोल देता हूँ, ठीक है। और क्या बोला गया कि इसको कंसेंट्रिक करते हुए एक और शेल इसके आजू बाजू ये रही, एक और ये रही, इसकी रेडियस कितनी है, बोला गया इसकी रेडियस है आर टू, इसकी रेडियस है आर टू, और इस पर चार्ज है क्यू टू, इस पर चार्ज है क्यू टू। तो मैं यही सवाल बोला गया, क्या सवाल बोला गया, फाइंड द पोटेंशियल ऑन सरफेस वन एंड फाइंड द पोटेंशियल ऑन सरफेस टू। झंडू सवाल है कर दो फटाफट, चलो वीडियो स्टॉप करो फटाफट से करो, जल्दी करो। कराए तुमने, अरे हाँ ना तो बोल, ध्यान सुन। तो बेटा याद हो तुम्हें, इससे पहले वो कंडक्टर वाला सवाल कराया था, उसमें मैं बीच में से भर देता था, है ना, इसलिए भरता था ताकि तुम्हें पता चले कि वो एक ही कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पर मैंने भरा नहीं है, दो अलग अलग शेल है। तो क्या करते थे आप, कंडक्टर का पहले शेल बनाते थे, इंड्यूस चार्ज का कंसेप्ट लगा के पहले करते थे, कंडक्टर का क्या बनाते थे शेल बनाते थे, और शेल बना के लिख देते थे, और शेल बना के लिख देते थे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये तो पहले से शेल बनी पड़ी है, तो बहुत आसान सवाल है, चलो आओ लिखो, सुनो ध्यान सुनो। तो ध्यान से देखें, तो पोटेंशियल एट सरफेस वन, पोटेंशियल एट सरफेस वन, बेटा सुन ध्यान सुन, तो इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, तो ध्यान से देख क्यू वन की वजह से पोटेंशियल कितना है, के क्यू वन बाय आर वन। अरे इस सरफेस के ऊपर, इस ध्यान सुन, तो ये सरफेस जो है ये कंडक्टर ही तो है, अरे क्या एक शेल ही तो है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो तो मतलब इक्विपोटेंशियल रीजन, मतलब कि जो सेंटर पर है वही सरफेस पर है, जो सेंटर पर है वही अरे हाँ ना तो बोल, जो सेंटर पर है वही कहाँ है सरफेस पर है। क्या मेरी बात समझ आई पक्की बात एकदम। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो क्यू वन की वजह से कितना लिखा गया, के क्यू वन बाय आर वन। अब मेरी बात सुन, क्यू टू के लिए ये क्या है, एक इंसल्ट पॉइंट है, क्यू टू के लिए क्या है कि इंसल्ट पॉइंट है, तो क्यू टू की वजह से भी कितना, इतना आया कितना, के क्यू टू बाय आर टू। अरे के क्यू टू बाय आर टू, जितना क्यू टू के सरफेस पर है उतना ही क्यू वन के अंदर हर पॉइंट पर है, तो कितना आया वी एस वन, कितना आया के क्यू वन बाय आर वन प्लस के क्यू टू बाय आर टू। इसी तरह से पोटेंशियल एट सरफेस टू, पोटेंशियल एट सरफेस टू, चलो आ जाओ, तो दो चार्ज की वजह से, अब ध्यान सुन, तो क्यू वन के लिए तो ये एक आउटर पॉइंट हो गया ना, और आउटर पॉइंट कितना दूर है, आर टू दूरी दूर है, कितना दूरी दूर है आर टू दूरी दूर है, तो कितना लिखा गया, ये लिखा गया के क्यू वन बाय आर टू, कितना लिखा गया के क्यू वन बाय आर टू। तुम्हें पता होगा ना कि स्फीयर से बाहर के लिए वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो क्यू वन को कहां रख दो, उसके सेंटर पर रख दो और कैलकुलेट कर दो, तो कितना आया के क्यू वन बाय आर टू प्लस ये। अब ध्यान से देख, तो क्यू टू के लिए तो सरफेस वाला पॉइंट है, तो कितना आया के क्यू टू बाय आर टू, ठीक है मेरी बात समझ आई
पक्की बात एकदम बेटा, जो ये सवाल को सॉल्व करते हुए एक एक बात में बोला, इसको दो दो तीन तीन बार आराम से सुन लेना, फिर आगे बढ़ना। अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही तो आगे आने वाले जो दो तीन सवाल मैं करवाने वाला हूं ना, कुछ नहीं समझ आएगा, घनघोर सन्नाटा मच जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? गोला जो है वो गोले से बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो पॉइंट चार्ज रख दो और निकाल दो, और अंदर वाले पॉइंट पर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, जो सेंटर पर रहेगा वो हर जगह रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। चलो इसको छापो बड़े ढंग से, फिर एक और अच्छा सवाल तुमसे कराता हूँ, ठीक है? छापो। आओ बेटा देखो, एक और बढ़िया सवाल कराता हूँ, देखो सुनो। तो बोला गया कि मान लो एक शेल येरी, एक शेल येरी, बोला गया कि एक शेल येरी, अरे एक शेल येरी, और बोला गया कि चलो मान लो एक शेल येरी, तीन शेल हो गई। अब कितनी शेल हो गई? अब तीन शेल हो गई। मेरी बात समझ आ गई? देखो ध्यान से देखो। तो बोला इसकी जो रेडियस है ना उसको बोला आर, जो ये जो रेडियस है ना इसको बोला 2R, और ये जो रेडियस है ना इसको बोला 3R, या बोला 4R। कितना रेडियस बोला गया? 4R, ठीक है। अब देखो चार्ज कहाँ कहाँ रखा है। बोला कि एक चार्ज तो रखा है यहाँ सेंटर पर, एक चार्ज तो रखा है यहाँ पर सेंटर पर, इसको सरफेस वन बोला, इसको क्या बोला? सरफेस वन, इसको सरफेस टू, इसको बोला सरफेस थ्री, और बेटा सरफेस वन पर जो चार्ज है ना बोला माइनस क्यू है। कितना है? माइनस क्यू है। फिर बोला सरफेस टू पर जो चार्ज है ना बोला टू क्यू है। कितना है? टू क्यू है। फिर सरफेस फोर पर बोला फोर क्यू है। कितना है? 4Q है। सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया फाइंड फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस टू, फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस टू। तो पोटेंशियल एट सरफेस टू लिखना है, नॉर्मल सी बात है, लिख दो। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो बेटा। अब ध्यान सुनो, इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें इंडक्शन लगा बैठते हैं कि सर यहाँ क्यू, तो सर यहाँ माइनस टू क्यू, तो सर यहाँ प्लस टू क्यू। बेटा तुम्हें याद हो इंडक्शन का जो फिनोमेना था वो सॉलिड कंडक्टर के लिए आता था, मोटे कंडक्टर के लिए है ना, और मोटे कंडक्टर से मैं क्या बनाता था? शेल बनाता था। तो ये तो शेल बनी, पहले से तैयार बनी बैठी है, तुम काहे यहाँ पर इंडक्शन लगाना चाहते हो यार? इंडक्शन लगा दो कि कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ ध्यान से। हालांकि गलत नहीं हो तो तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तो ध्यान सुन, ध्यान सुन, मैं बताता हूँ, सवाल तो मैं सॉल्व करा ही दूंगा, तो सुन। देख अगर यहाँ चार्ज क्यू था तो यहाँ चार्ज क्या था? माइनस क्यू। यहाँ चार्ज क्या था? माइनस क्यू। इसके अंदर वाले सरफेस पर चार्ज क्या था? माइनस क्यू। बाहर वाले पर कितना आया? प्लस क्यू। तो बाहर वाले पर प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर कितना हो गया? जीरो। और अंदर पे क्या था? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू ही तो है यार, तुम काहे इंडक्शन लगा के उसको खराब करना चाहते हो? इसमें इंडक्शन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शेल वाले कंसेंट्रिक शेल वाले किसी भी प्रॉब्लम में इंडक्शन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। वो कहाँ लगाया जाता है? वो सॉलिड कंडक्टर में लगाया जाता है, कि अंदर वाले सरफेस पर इतना तो बाहर वाले पर इतना, और बनाते क्या है उसका? फिर शेल बना लेते हैं, शेल बनाकर उसको सॉल्व कर देते हैं। ये तो शेल पहले से बनी पड़ी है, इसलिए यहाँ पर इंडक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ हालांकि मैं तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा सिखाऊंगा कि किस सरफेस पर कितना है ना, पर यहाँ पर इंडक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की, ऐसा नहीं कह रहा कि फिनोमिना नहीं आता, इंडक्शन का आता है, पर यहाँ पर लगाने का कोई मतलब नहीं। पक्की बात एकदम। चलो सवाल सॉल्व करते हैं, देखो सुनो। तो पोटेंशियल एट सरफेस टू, जिस बच्चे को नहीं समझ आया फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो, देखो सुनो। तो सरफेस टू पर, सरफेस टू पर बेटा, सरफेस टू क्यू चार्ज से कितना दूरी दूर है? 2R दूरी दूर है। तो कितना लिखा? के क्यू बाय 2R। कितना लिखा? के क्यू बाय 2R। और देख S1 के लिए ये बाहरी पॉइंट है ना, तो चार्ज कहाँ जाएगा? सेंटर पर आ जाएगा। तो माइनस के क्यू बाय 2R, माइनस के क्यू बाय 2R। अब 2Q की वजह से, अब 2Q की वजह से तो जितना भाई अंदर है सेंटर पर उतना ही बाहर है, तो प्लस 2K³ बाय 2R, प्लस 2K³ बाय 2R। अब देखो 4Q के लिए फिर से ये 2Q अंदर वाला पॉइंट हो गया, तो जितना इसके सरफेस पर, इस बड़े वाले गोले के जितना सेंटर पर पोटेंशियल है उतना ही हर जगह है होगा। तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा प्लस, कितना आएगा? K और 4Q, और डिवाइड बाय इसकी रेडियस, इसकी रेडियस कितनी? 4R। कितनी? 4R। चलो इसको लिख दो जो भी आ रहा है, ध्यान से देखो। तो ये आया टुचुक टुचुक, तो ये आया KQ/R। कितना आया? KQ/R। कुछ गलत तो नहीं हो गया यार? पक्की बात एकदम, सोच लो। अच्छा भाई कितना आया ये? ये आया बेटा KQ/2R माइनस KQ/2R, खुपाच खुपाच खत्म हो गया ये। तो ये आया KQ/R और ये आया KQ/R, तो आंसर आया 2KQ/R। मेरा तो इतना आ रहा है यार। अरे खाना तो बोल। पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो इसको देखना एक एक टर्म को कैसे कैसे लिखा है मैंने, ठीक है? और उसके बाद फिर बड़े ढंग से इसको छाप लेना, ठीक है? चलो लिख लो। लो एक और सवाल से प्रैक्टिस करा देता हूँ, हालांकि मेरा मन तो नहीं था, पर चलो फिर भी कर लो, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखो। तो बोला एक शेल ये रहा, एक शेल ये रहा, और एक शेल ये रहा। मेरी बात समझ आई? अब ध्यान से देख, सुन। मैंने बोला कि मान लो इस रेडियस को बोलो R1, ठीक है, और इस वाले रेडियस को बोलो 2R, इसको बोला R, इसको बोला 2R, और इसको बोला 4R, इसको बोला 4R, ठीक है? अब ध्यान से सुन।
तो यहां पर चार्ज रखा है क्यू, यहां पर चार्ज रखा है क्यू, सरफेस ये S1, ये सरफेस S2, ये सरफेस S3, ये सरफेस S3, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, तो मैंने बोला कि मान लो इस वाले बाहर वाले सरफेस पर चार्ज रखा है -2Q, कितना रखा है -2Q, इस पर जो चार्ज है वो है 2Q, वो है 2Q, और इस वाले सरफेस पर जो चार्ज है वो अगेन 4Q, कितना है वो अगेन 4Q, ठीक है। अब तुमसे फिर से वही सवाल बोलेगा कि भाई सरफेस 1 पर, सरफेस 2 पर और सरफेस 3 पर पोटेंशियल बताएं, सरफेस 1 पर, सरफेस 2 पर, सरफेस 3 पर पोटेंशियल बताएं। चलो बताओ इनमें से कौन सा कैलकुलेट करवाऊं, एक करवाता हूं मैं, बाकी दो तुम्हारे होमवर्क, बाकी दो तुम्हारे होमवर्क। नीचे कमेंट में बताना आंसर कितना आया तुम्हारा, ठीक है। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें से एक मैं करवाता हूँ। चलो तुम बताओ कौन सा करवाऊं, कौन सा करवाऊं, सरफेस 1 का करवाऊं क्या, या सरफेस 2 का करवाऊं, सरफेस 3 का करवाऊं, तुम बताओ। अरे हाँ ना, तो बोल, सरफेस 3 का करवाऊं, देखो सरफेस 3 का करवाऊं, देख ध्यान सुन, तो सरफेस 3 पर देखो ध्यान सुनो, तो क्यू चार्ज की वजह से सरफेस 3 पर, सरफेस 3 पर पोटेंशियल कितना, देखो सुनो, पोटेंशियल एट सरफेस 3, तो क्यू क्यू चार्ज की वजह से, के क्यू बाय दूरी, कितना दूरी दूर निकालना है, 4R दूरी दूर, तो 4R। अच्छा -2Q वाले स्फीयर के लिए ये भारी पॉइंट है, तो -2Q कहाँ रख दोगे, सेंटर पर रख दोगे, तो -2KQ बाय 4R। अच्छा 2Q वाले सरफेस के लिए भी कैसा है, भारी पॉइंट है, तो 2Q कहाँ रख दोगे, सेंटर पर रख दोगे, तो +2KQ बाय 4R। और 4Q वाले के लिए तो भैया जितना इसके सेंटर पर उतना यहां पर, तो 4Q से सेंटर पर कितना, 4KQ बाय 4R। अच्छा तो +4KQ बाय 4R, अब जो कटता पिटता है काट दो, ध्यान से देखो, तो ये इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, या के क्यू बाय 4R प्लस के क्यू बाय आर, तो कितना आया 4R, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 8 5 हो जाएगा 5/4 और के क्यू बाय आर। भैया मेरा तो ये आंसर है, अरे भैया मेरा तो ये आंसर है। अब तुमको ये दो सवाल मुझे सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताने हैं, इससे तो बता दिया मैंने, हाँ ये दोनों तुम्हें मुझे बताने हैं, ठीक है, ढंग से बताना, तभी मुझे लगेगा कि यार तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, नहीं तो फिर मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है यार, फिर मुझे लगता है समझ ही नहीं आ रहा यार बच्चों को तो यार। अरे हाँ ना, तो बोल, ठीक है, तो उसको करके बड़े ढंग से मुझे बताना है फिर कमेंट बॉक्स में कितना आंसर तुम्हारा आया है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी वैरायटी हल्की सी चेंज करता हूँ, फिर अपन सवाल करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो देखो बेटा, आओ सुनो, एक और बढ़िया सवाल मैं तुम्हें कराता हूँ, देखो, अब उसमें अपन कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, तो बोला गया कि मान लीजिए एक सरफेस ये रहा, ठीक है, एक सरफेस ये रहा, और बोला गया कि मान लीजिए एक सरफेस ये रहा, ठीक है, एक सरफेस ये रहा, तो ये तीन सरफेस आपके पास यहां पर हो गए, तो बोला गया कि इसकी रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, इसकी रेडियस 2R है, ठीक है, और इसकी रेडियस है मान लीजिए 4R, इसकी रेडियस है मान लीजिए 4R, ठीक है। इसको बोला गया बेटा सरफेस S1, इसको बोला गया सरफेस S2, और इसको बोला गया सरफेस S3। तो सेंटर पर जो चार्ज रखा है बोला गया प्लस क्यू चार्ज रखा है, कितना चार्ज रखा है प्लस क्यू, बोला सरफेस 1 पर भी प्लस क्यू चार्ज है, सरफेस 1 पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और सरफेस 3 पर +8Q चार्ज है, कितना चार्ज है +8Q चार्ज है, मेरी बात समझ आई। और क्या बोला गया कि सरफेस 2 को अपन ने ग्राउंड कर दिया, सरफेस 2 को अपन ने क्या कर दिया बेटा, ग्राउंड कर दिया, तो सवाल बोला कि फाइंड फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर S2 फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे तो पता है कि जैसे ही आप ग्राउंड करोगे इसके सरफेस पर जो भी पोटेंशियल आएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। तो धरती माता क्या करती है, कुछ इस तरह से चार्ज इसके ऊपर लेकर आती है, कुछ इस तरह से इसके ऊपर चार्ज लेकर आती है कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। चलो आ जाओ लिख दो, कौन सी बड़ी बात है, पोटेंशियल ही तो लिखना है सरफेस 2 पर। चलो तो पोटेंशियल लिखो सरफेस 2 पर, तो कितना आया देखो, क्यू चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल लिखो, तो आया के क्यू बाय 2R, कितना आया बेटा के क्यू बाय 2R। अरे हाँ ना, तो बोल कितना आया बेटा के क्यू बाय 2R, इस प्लस क्यू वाले की वजह से भी प्लस के क्यू बाय 2R, क्योंकि बाहरी पॉइंट है, क्योंकि बाहरी पॉइंट है। और अब एक और चार्ज, धरती माता को ऐसा चार्ज लाई है ना कि इसके ऊपर पोटेंशियल जीरो हो जाए, तो धरती माता ने लाया क्यू डैश, तो कितना आया प्लस के क्यू डैश बाय 2R, है ना, क्योंकि 2R इसकी रेडियस है, तो के क्यू डैश बाय 2R। अब इस 8R की वजह से प्लस कितना के,
और 8Q, अब देख 8Q के लिए तो ये अंदरूनी पॉइंट हो गया ना, तो जितना इसके इस 8Q के सेंटर पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल हर जगह होगा, तो कितना हुआ प्लस 8Q बाय इसकी रेडियस कितनी 4R, और बेटा ये सारा का सारा पोटेंशियल ग्राउंड करने की वजह से कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब ध्यान सुनो, तो के क्यू बाय टू आर ये हुआ के क्यू बाय आर, ये हुआ के क्यू बाय आर, ठीक है। प्लस ये था साथ में, देखो ध्यान से देखो, ये कितना था 2KQ/R, ये था 2KQ/R, और ये साथ में कितना है प्लस KQ'/2R, और ये किसके बराबर होना चाहिए जीरो के बराबर होना चाहिए, तो कितना आया बेटा ये आया 3KQ/R इज इक्वल टू, उस तरफ ले जाएंगे इस वाले टर्म को, तो -KQ'/2R, यही तो आया, कुछ और आया, ध्यान से देख, तो आर ने आर को मार दिया, के ने के को मार दिया, तो बेटा ये हुआ 3Q/-Q'/2, तो बेटा क्यू डैश इंड्यूस चार्ज कितना आया उसके ऊपर 6Q, वो भी माइनस का, कितना आया 6Q, वो भी माइनस का, तो इतना चार्ज इसके ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाएगा, धरती माता इसके ऊपर इतना चार्ज अपने आप डाल देगी, सो दैट इसका पोटेंशियल कितना हो जाए बेटा जीरो हो जाए, कितना हो जाए पोटेंशियल इसका जीरो। यही होता है कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड, कि धरती माता उसके ऊपर एक ऐसा चार्ज लेकर आती है कि उसका पोटेंशियल कैसा हो जाए जीरो हो जाए, क्या हो जाए इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। आई होप अब आपको कंसेप्ट ऑफ ग्राउंड अच्छे से समझ आ गया होगा, कि धरती माता एक ऐसा चार्ज उसके ऊपर लेकर आती है सो दैट उस गोले का पोटेंशियल कितना हो जाए बेटा जीरो हो जाए, धरती माता कितना चार्ज लाई -6Q चार्ज उसके ऊपर लेकर आई, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो एक बार बड़े ढंग से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है करो। और बेटा देखो एक और जानदार सवाल कराता हूँ तुम्हें, मजा आ जाएगा, देखना सुनो जरा ध्यान से। तो बोला गया कि मान लीजिए एक है ये शेल, ठीक है, और एक है ये बाहर शेल, एक है ये ऐसे बाहर शेल, तो दो शेल हो गई, ठीक है। बोला इस पर जो चार्ज है ना वो है प्लस क्यू, कितना इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, और बोला बाहर वाले जो चार्ज सरफेस है ना इसके ऊपर चार्ज है +7Q, कितना इसके ऊपर +7Q, अंदर वाले पर चार्ज प्लस क्यू, बाहर वाले पर +7Q, ठीक है। और बोला गया इसकी अंदर वाले की जो रेडियस है, रेडियस है आर, रेडियस है आर, और इस पर जो रेडियस है इसकी जो रेडियस है वो है 2R, कितनी रेडियस है इसकी 2R, इसकी रेडियस कितनी है, इस रेडियस कितनी है 2R, बेटा इसकी जो रेडियस है वो कितनी है R, इसकी रेडियस कितनी है 2R, क्या मेरी बात समझ आई, पक्की बात एकदम सोच ले। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो क्या सवाल बोला गया, बोला गया कि अगर के अगर 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 बोला गया कि अगर बाहर अंदर वाले शेल को है ना, ये था सरफेस S1, ये सरफेस था S2, बोला अगर अंदर वाले सरफेस को बाहर वाले सरफेस से कनेक्ट कर दें एक वायर की सहायता से, देन बोला इफ इफ द टू स्फीयर्स, इफ द टू शेल्स, बेसिकली इफ द टू शेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, कनेक्टेड विद ईच अदर, देन देन व्हाट वुड बी, देन व्हाट वुड बी द फाइनल चार्जेस, व्हाट वुड बी द फाइनल चार्जेस ऑन द शेल्स, ठीक है। चलो आ जाओ सुनो, तो एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो बेटा, सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है सोचो एक बार। अरे कराए कि नहीं कराए, देखो सुनो मैं कराता हूँ, आ जाओ देखो सन्नाटा। देखो तो अगेन वही, भाई जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वहां से चार्ज बहेगा, जो कहां पर बहेगा जिसका पोटेंशियल कम है वहां पर बह जाएगा, नॉर्मल सी बात है, मुझे समझ आना चाहिए। अरे हाँ तो बोलो, ये तो मुझे समझ आना चाहिए, पक्की बात एकदम सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो बेटा इसका जो पोटेंशियल है अंदर वाले शेल का जो पोटेंशियल है वो कितना है। अच्छा आप ऐसा नहीं लिख सकते कि अंदर का पोटेंशियल, क्योंकि अब तो दोनों का पोटेंशियल दोनों की वजह से है ना, अरे है ना, अरे है कि नहीं है, तो ध्यान से देखो, तो अगर इन्हें आपने अगर कनेक्ट नहीं किया होता, इन्हें अगर आपने कनेक्ट नहीं किया होता, अब ध्यान सुनो, कनेक्ट नहीं किया होता तो पोटेंशियल एट सरफेस वन बेटा कितना था, ध्यान से देखो, तो इस चार्ज का भी रोल आएगा और इस चार्ज का भी रोल आएगा, तो इस चार्ज की वजह से कितना आता KQ/R प्लस इस चार्ज की वजह से K और 7Q/2R, है ना, तो कितना आता है ये, दो तो आ जाता है एलसीएम, और ये आता दो और ये सात, तो ये आ जाता 9/2 और KQ/R, कितना आ जाता 9/2 और KQ/R, और सरफेस टू का पोटेंशियल कितना आता बेटा, सरफेस टू का KQ का बाहर की वजह से, तो कितना आता KQ/2R प्लस कितना 7KQ/2R, तो बेटा ये कितना था, यह था 8/2 और KQ/R, तो अपने को समझ आ गया। अब
अपने को समझ आ गया कि भैया पोटेंशियल ऑफ सरफेस वन, पोटेंशियल ऑफ सरफेस वन इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सरफेस टू, इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ सरफेस टू। क्या बात समझ आई? पक्की बात एकदम। चलो आ जाओ, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, कैलकुलेट कर देते हैं यार, है ना। तो क्या करा अपन ने, अब क्या करा अपन ने, मान लो कि अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया, अपन ने क्या कर दिया, अब इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से चार्ज लोअर पोटेंशियल पर बहेगा। तो मैं बोलता हूं चल मान ले कि क्यू डैश चार्ज बह गया, क्यू डैश चार्ज बह गया, और फाइनली पोटेंशियल कैसे हो जाएंगे, पोटेंशियल एट सरफेस वन फाइनल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस टू फाइनल। पक्की बात एकदम। चलो आ जाओ, तो यहां पर चार्ज कितना बचा, यहां बचा क्यू माइनस क्यू डैश, तो क्या लिखा गया, के और क्यू माइनस क्यू डैश बाय आर, ठीक है। ये तो इस वाले की वजह से आया, अब बाहर वाले की वजह से भी तो इसका लिखो, तो कितना लिखोगे, प्लस के, और इसमें तो सेवन क्यू में तो चार्ज जाके जुड़ा है ना ये, तो कितना आया सेवन क्यू और प्लस क्यू डैश बाय टू आर, बाय टू आर, और विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस टू। अब पोटेंशियल एट सरफेस टू लिखो, तो यहां पर चार्ज कितना है, यहां पर है क्यू माइनस क्यू डैश, उसकी वजह से यहां पर तो क्या आया, के इंटू क्यू माइनस क्यू डैश बाय टू आर, प्लस इस वाले चार्ज की वजह से के इंटू, अब इसमें तो जुड़ा है ना, तो सेवन क्यू और प्लस क्यू डैश बाय टू आर। मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। बेटा इस इक्वेशन को आप अच्छे से सॉल्व करो और यू विल गेट कि क्यू डैश इज इक्वल टू टू क्यू, क्यू डैश इज इक्वल टू टू क्यू आएगा ना, नहीं क्यू आएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू, कितना आ जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। मैं कैसा ऐसे बोला मैं तुम्हें बताता हूँ, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके बड़े ढंग से लिखोगे ना यही आंसर आएगा, पर जानते हो अगर मैं इस सवाल को देखता, मैं इस सवाल को करता तो मैं इसको ऐसे करता ही नहीं, ठीक है। इतना सब काम जहां मैं करने वाला नहीं हूं, मेरे पास तो छोटा तरीका है, देख ध्यान सुन, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो सुनो जरा ध्यान से। तो बेटा जैसे ही अगर मैं इन कंडक्टर को आपस में ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने क्या करा, मैंने इन कंडक्टर को आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये अंदर वाली होलो शेल थी, ये बाहर वाली होलो शेल है, तो जैसे ही मैंने इन्हें आपस में ज्वाइन करा, ये तो एक कंडक्टर बन गया, अरे ये तो एक कंडक्टर, अरे हाँ ना तो बोल, ये तो एक कंडक्टर, यार तुम्हें नहीं आया यार, ये तो एक कंडक्टर बन गया। तो एक कंडक्टर बन गया तो क्या हो गया भाई, एक कंडक्टर अगर बन गया तो सारा का सारा चार्ज कहाँ रहेगा, अरे उसके आउटर सरफेस पर रहेगा भाई, कहाँ रहेगा, उसके आउटर सरफेस पर रहेगा भाई, अरे हाँ ना तो बोल। तो ये सारा का सारा क्यू चार्ज बहके कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और फाइनली सरफेस वन पर कितना चार्ज बचेगा, जीरो, और सरफेस टू पर कितना चार्ज बचेगा, सेवन प्लस क्यू, कितना बचेगा, एट क्यू, कितना बचेगा, एट क्यू। अरे यार मैं ये सब करने वाला नहीं हूं, मुझे तो समझ आता है कि जब मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया तो एक ही कंडक्टर बन गया, एक कंडक्टर बन गया तो सारा चार्ज कहाँ रहेगा, कंडक्टर के आउटर सरफेस पर, इनर सरफेस पर कोई चार्ज रहने वाला नहीं है, तो सारा का सारा चार्ज बहके कहाँ चला गया भैया, बाहर चला गया। अरे आना तो बोलो यार, पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं है, एकदम सोच लो, डन समझू मैं मामला की तुम्हें समझ आया है, पक्की बात एकदम। चलो तो बेटा इसको नोट करो बड़े ढंग से, अब मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ, देखो ध्यान सुनो। तो जैसे मैंने लिखा प्लस क्यू, या मैं लिखा प्लस सेवन क्यू, तो ये इस सरफेस के ऊपर नेट चार्ज है, और उसमें से कितना चार्ज सरफेस के इस अंदरूनी सरफेस पर है, कितना चार्ज इसके बाहरी सरफेस पर है, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब इंडक्शन का इस्तेमाल करना मैं तुम्हें सिखाता हूं कि देखो किस तरह से फिनोमिना होता है, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट करो बड़े ढंग से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, करो। आओ बेटा देखो सुनो, अब मैं क्या पढ़ाता हूँ तुम्हें, अब मैं तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बताता हूँ ऑन द सरफेस ऑफ शेल्स, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ शेल। देखो कैसे, सवाल से समझ आएगा, देखो सुनो, आओ सुनो ध्यान से देखो। तो कैसे करने वाले हैं हम, ऐसे करने वाले हैं, देखो सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि चलो मान लीजिए कि एक शेल है, एक क्या है बेटा, ऐसे शेल है, बोला एक और शेल है, मैंने कहा ठीक है, बोला एक और शेल है, मैंने कहा ये भी ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलो शेल है तो है, कोई बात नहीं। बोला कि इस वाले शेल पर, यहां पर ना, बोला इस शेल पर कितना कितना कितना, बोला यहां पर सेंटर पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, कितना चार्ज रखा है प्लस क्यू, बोला ऊपर इस चार्ज इस वाले शेल पर हमने जो सवाल जो चार्ज दिया है वो है, बोला प्लस टू क्यू, मैंने कहा ठीक है, बोला इस पर जो चार्ज दिया वो दिया प्लस थ्री क्यू, मैंने कहा ठीक है, बोला इस पर जो चार्ज दिया वो दिया प्लस फोर क्यू, मैंने कहा ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा आप ध्यान सुनो कि अब भाई ये जो प्लस टू क्यू चार्ज को दिया गया है, ये जो प्लस थ्री क्यू चार्ज को दिया गया है, या प्लस फोर क्यू चार्ज को दिया गया है, तो ये प्लस फोर क्यू चार्ज कहाँ है, कितना इसके आउटर सरफेस पर है, कितना इसके अंदर वाले सरफेस पर है, कितना कैसे है, कहाँ है, इस बात का मुझे कोई ज्ञान
नहीं है, ये ज्ञान कौन देगा? इंडक्शन। कौन देगा? इंडक्शन। हालांकि इसके सवाल करते हुए, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हुए, अरे हाना तो बोल, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ अपनी कैलकुलेशन बढ़ती है। पर कितना चार्ज सरफेस के ऊपर है और कितना अंदरूनी सरफेस पर है, इस बात का ज्ञान मुझे होना चाहिए। पक्की बात एकदम। अब ध्यान सुन, देख कैसा होता है, ध्यान सुन, ध्यान सुन, पूरा फोकस यहीं पे बेटा, ध्यान सुनो। तो अगर इसके ऊपर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां अंदर में कितना चार्ज आया? यहां आया माइनस क्यू। कितना चार्ज आया? माइनस क्यू। बेटा कितना चार्ज आया? माइनस क्यू। अच्छा, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना चाहिए? प्लस टू क्यू। कितना चार्ज ये? प्लस टू क्यू। उसमें से माइनस क्यू ये रहा, उसमें से माइनस क्यू ये रहा, तो बाहर कितना चार्ज आएगा? बाहर चार्ज आएगा थ्री क्यू। बाहर चार्ज आएगा थ्री, यार हाँ तो बोल, बाहर चार्ज कितना आएगा? थ्री क्यू। तू ध्यान से देख, तो थ्री क्यू और माइनस क्यू कितना आया? टू क्यू। टू क्यू तो चाहिए, अरे 2q ही तो चाहिए, मेरी बात समझ आई? अब ध्यान सुन, यहां पर अगर 3q है, तो इसके अंदर यहां कितना चार्ज आया? यहां आया -3q। यहां कितना आया? -3q। और चाहिए कितना? +3q। चाहिए कितना? यार हाना तो बोल, चाहिए कितना? +3q। तो यहां कितना चार्ज आएगा? यहां आएगा +6q। यहां आएगा +6q। ध्यान से देख, +6q और -3q कितना हुआ? 3q। देख 3q तो चाहिए, मेरी बात समझ आई? अरे यहां है +6q, तो यहां इसके अंदरूनी सरफेस पर कितना आएगा? -6q। कितना आएगा? -6q। चाहिए कितना? +4q। चाहिए कितना? प्लस, अरे यार हाना तो बोल, चाहिए कितना? +4q। तो कितना आ जाएगा यहां पर? यहां पर आ जाएगा प्लस का 10q। कितना आ जाएगा? प्लस का 10q। अब देख, प्लस का 10q और माइनस का 6q, नेट कितना? +4q। वही तो चाहिए। अरे यार, तो अगर तुमसे सवाल पूछा जाता इन सरफेसेस का नाम देकर, बोलता ये सरफेस S1, ये सरफेस S2, ये सरफेस S3, तुमसे बोलता कि फाइंड द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सरफेस S3, फाइंड द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सरफेस S3, तो कितना बोलते तुम? तुम 4q नहीं बोलते, तुम बोलते -6q। कितना बोलते तुम? -6q। तुमसे सवाल बोल देता फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सरफेस S2, तो भैया सरफेस S2 के आउटर सरफेस पर चार्ज +3q ना है, कितना चार्ज है? अरे कितना चार्ज है, ध्यान से देखो, तो +6q चार्ज है। कितना चार्ज है? +6q चार्ज है। तो ये बातें मुझे समझ आनी चाहिए, पक्की बात एकदम। सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? अब ध्यान सुन, एक तो बेटा अगर तुम्हें ये सवाल समझ आया है, देखो मैं एक और सवाल तुमको देता हूँ, होमवर्क सवाल मान लेना इसको, और नीचे कमेंट में आंसर बताना मुझे कितना आंसर लिखा है। मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात एकदम। देखो सुनो, तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि ये एक शेल है, ठीक है, और फिर बोला कि ये एक शेल है, ऐसे शेल थी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने बोला कि माइनस क्यू चार्ज है इसके सेंटर पर, कोनो बात नहीं। बोला इसके सरफेस S1 पर जो चार्ज है वो है +4q, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। बोला इस पर चार्ज है -3q, मैंने कहा इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। सवाल क्या बोला गया? सवाल क्या बोला गया? फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेसेस, ऑन द सरफेसेस ऑफ द शेल्स, ऑफ द शेल्स। चलो भैया, ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बेटा बड़े ढंग से समझ आया होगा। तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं। अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी खत्म हो चुकी होगी अपनी, लगभग लगभग कोई 30-31 लेक्चर अपने हो गए होंगे। तो 30-31 लेक्चर अगर कोई बड़े ढंग से देख ले, अच्छे ढंग से कर लेगा उसको, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई सवाल उसका जाने वाला नहीं है, पक्की बात एकदम। सोच रहो, चलो बेटा, तो इसको बड़े ढंग से नोट करो, फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, ठड़ा।